लाहौर हाईकोर्ट में शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस को नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत की मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर यानी एमपीओ के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाप्त करते हुए डिप्टी कमिश्नर और पुलिस को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने चैम्बर में दरखास्त पर समाप्त की। सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की नजरबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। दरखास्त में डिप्टी कमिश्नर और आईजी पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त के मुताबिक शेर अफजल मरवत लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब करके वापस रवाना हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरखास्त में कहा गया की शेर अफजल मरवत की नजरबंदी गैर कानूनी और गैर आइनी है। दरखास्त में इस्तदा की गयी है की अदालत शेर अफजल मरवत की नजरबंदी को कालादम करार देकर उनकी रिहाई का हुक्म दे। गुज़श्ता दिनों 14 दिसम्बर को लाहौर पुलिस ने पीटीआई के सीनियर नायब शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया था। शेर अफजल मरवत लाहौर हाई कोर्ट बार के इजलास में शिरकत के बाद वापस रवाना हुए तो जीपीओ चौक पर पुलिस अहलकारों ने उन्हें रोक लिया। इस मौके पर शेर अफजल मरवत के हमरा वकला की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। गिरफ्तारी के वक्त साथी वकला ने कुछ मजाहमत की। इसके अलावा पीटीआई रहनुमा ने लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश भी की, तहां पुलिस शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करके अपने हमरा ले गयी। लाहौर पुलिस ने बताया था की शेर अफजल मरवत को नुक्से अमन का बायस बनने पर गिरफ्तार किया गया। 30 रोज के लिए उनकी नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए। गुज़श्ता हफ्ते भी शेर अफजल मरवत को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअर दीर में मुबैना तौर पर गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया गया था। शेर अफजल मरवत बाजोड़ जा रहे थे कि चकदर्रा बाईपास पर लोअर दीर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। शेर अफजल मरवत को गुज़श्ता माह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया गया था। अक्टूबर के आखिर में शेर अफजल खान मरवत पर सोशल मीडिया के जरिए मुबैना रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उनके खिलाफ शिकायत शोर कोर्ट के रिहायशी अब्दुल मजीद ने दर्ज करवाई और सदर पुलिस थाने में 27 अक्टूबर को इसकी एफआईआर दर्ज की गई थी। थाने के एक पुलिस अफसर ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की तस्दीक भी की।